हमारा प्राइमरी की कॉइल से जुड़ा है, ठीक। और फिर अभी हम लोग सेकेंडरी का छोड़ देंगे, इसका दूसरा भाग जो दूसरा पार्ट है वो हमारा है कि ये देखो यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ देखो यहाँ सी डी दिख रहा है, ठीक है। फिर सी में जोड़ेंगे, नोटिस करना है कि ये रहे बीच में, ये फिर दूसरा ये जो डी वाला पार्ट है उसका ला के एक स्विच से यहाँ पे, फिर इसका एक स्विच का ये वाला पार्ट इससे जोड़ के रियो स्टेट से रियो स्टेट में दूसरा निगेटिव है। ये ध्यान रखना स्विच वाले में ऐसा जाए कि मतलब ऐसे क्रॉस में हो, नोटिस करना ऐसे ना हो, ऐसे क्रॉस में हो, ठीक है। ये होगी, अब आते हैं इसको कल यहाँ पर। अब देखो सेकेंडरी का इतनी प्राइमरी जोड़ी सेकेंडरी के साथ, सेकेंडरी का हम लोग इसके इससे स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी के यहाँ से, ठीक है। सेकेंडरी यहाँ से इसका एक कॉल हमारा आएगा ए में जुड़ेगा, जो कि यहाँ पे ए है, ठीक है। ये ऐसे जुड़ा होना चाहिए ए, और फिर दूसरा जो ये बी है, बी से निकल के स्विच में जाएगी, इतना होगी। अब देखो एक ये बचा है, एक ये बचा, इसमें गैल्वेनोमीटर का एक यहाँ वायर जाएगी, यहाँ वायर जो जो कि पैरेलल में, ठीक है। अब देखो जो स्विच है उस स्विच इसके पैरेलल में, तो बस एक स्विच के जो दो वायर है हम लोग ऐसे जुड़ेंगे, एक ये वायर आई है, एक ये वायर, ठीक है। ये वाला कनेक्शन हो गया, बस याद करने वाला चीज़ है। और देखो ये इसलिए यहाँ इतना दूरी पे है, अगर इसको यहाँ पे कर देंगे तो हमें डिफ्लेक्शन आगे धक्का लग जाएगा, ठीक है। ये इतना पे इसलिए हम लोग रख रहे हैं जो इसका डिफ्लेक्शन हो, हमारी इसके लिमिट में रहे, ठीक है। इतनी होगी। अब हमारा पहला रीडिंग, पहला रीडिंग हमारा क्या है, थीटा हो, थीटा लेना है, मतलब कितना थ्रू है, हम लोग थीटा मान लेते हैं, थीटा ही लगा लेते हैं। इससे हम लोग इसको डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज मतलब इसको जीरो पे लाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे तो ये 0.2 एक्स्ट्रा ले लेंगे, और इसको हम लोग यहाँ से इसको चार्ज कर देंगे, ये जहाँ पे जाएगी ये हमारा थीटा वन है, ये थीटा टू, इसी तरह ये थीटा थ्री, थीटा फोर। थीटा वन कम आधा नहीं हो गया था, जो है सब सही है, पहले बता दिया जाएगा, जो भी जैसे जाए थीटा 11 तक रीडिंग ले लेना है, ठीक। हमें थीटा 11 और हमें ये रीडिंग हमें नोटिस करनी है, हम पहले जीरो पे ले लें या आपके ऊपर डिपेंड कर लो, जीरो पे अगर 357 पे ले लो, ठीक है। पहले डायरेक्ट में ले लेना, फिर एक रिवर्स में भी रीडिंग है। रिवर्स में क्या करना है, बस इसको इधर लगा देना, ये पॉजिटिव वाला इधर पॉजिटिव रहेगा, तो बस इसको जीरो पे रखना है, थ्री पे रखना है, फाइव पे, जो जैसे भी है। ये पहले रीडिंग है, तो हम लोग पुट करेंगे लैम्डा वाले में, वहाँ से लैम्डा आ जाएगी, ये होगी। अब दूसरा क्या है, फाई निकालना है। फाई में क्या करेंगे, फाई में इसको ये हटा देंगे, ठीक है। फाइव वाला में भी हम ये ध्यान रखेंगे, जैसे हम पहले वाले में अगर 0 to 4 पे किए तो फाइव वाले में भी 0 to 4 ही पे रखेंगे। तो जैसे ये हम 0 पे इसको रख दिए और ये देखेंगे डायरेक्ट में है, ये इस समय ये डायरेक्ट में जुड़ा है, ठीक है। फाइव वाले में ये कनेक्ट कर देंगे, पहले इसको हम 0 पे लाएंगे डिस्चार्ज करके। मान लीजिए ये 0 पे आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसको दबाए रखेंगे, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं है फाइव के केस में, दबाए रखेंगे, ये देखेंगे खुद ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता जा रहा है, एक टाइम ऐसा है कि ये मैक्सिमम रुक जाएगा, उसके आगे ये नहीं बढ़ेगी, ये हमारी फाई हो जाएगी। बस ये ले लेंगे, ये हम इसको डायरेक्ट में ले लेंगे, इसका रिवर्स में ले लेंगे, ठीक है। फाई का डायरेक्ट में लेना है, बस दो रीडिंग चेंज करना, 2, 4, 6 पे लेना है। फाई का रिवर्स में ले सकते हो दोनों, मान लो डायरेक्ट ही में ले लिए, फिर जैसे उसमें 2, 0, 2, 4 था, 0, 2, 4 था, इसमें भी 0, 2, 4 पे ले लेंगे, ये हमारी फाई आ जाएगी। फाई के फॉर्मूला में रख देंगे, फॉर्मूला मैनुअल में गिवन है, निकल जाएगा। अब एक लास्ट आते हैं, हमें टी निकालना है, मतलब टाइम से, तो इसको पहले की तरह बनाएंगे, ये निकालेंगे, पहले इसको डिस्चार्ज करेंगे, ये एकदम डिस्चार्ज हो गए। इसको हम लोग छोड़ के करते हैं, इसको हम लोग जीरो पे लाएंगे, इसको हम लोग जीरो पे लाएंगे, ठीक। बस हम लोग इसको ऐसे चार्ज करेंगे, चार्ज करेंगे फिर बस इसको छोड़ देंगे। इसका हम 10 ऑसिलेशन देने वाले, वैसे अभी एक अभी ये भी ऑसिलेशन नहीं हुआ है, दो चार छह पे निकाल लेंगे और एवरेज ले लेंगे।